अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अनऑफिशियल पीटी अप्रूव्ड क्या होता है, वीआईपी पीटी अप्रूव्ड क्या होता है। आप अपने मोबाइल फ़ोन का अगर आपका टैक्स है पीटी है 40,000 रुपये, तो आप उसे कम से कम 2-3 हज़ार रुपये में पीटी अप्रूव्ड कैसे करा सकते हैं, या फिर 2021 चल रहा है इसमें आप अपने मोबाइल को फ्री में पीटी अप्रूव्ड कैसे करा सकते हैं, तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सिंपल वे में स्टार्ट करता हूं। अनऑफिशियल और वीआईपी पीटी अप्रूव्ड क्या होता है, बेसिकली ये दोनों एक ही नेम है, एक ही चीज़ होती है, दो नेम बनाए हुए हैं। उससे पहले आपको जानना जरूरी है ऑफिशियल पीटी अप्रूव्ड क्या होता है। ऑफिशियल मतलब आप गवर्नमेंट को पीटीए टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा रहा है और आपका लाइफ टाइम पीटी अप्रूव हो जाएगा, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। बट यहाँ पर आ जाता है अनऑफिशियल और वीआईपी पीटी अप्रूव्ड। बेसिकली इसमें होता ये, जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास आईफोन 12 है, अब उसका पीटीए टैक्स आपको पता है 40,000 रुपये या 41,000 रुपीज़ है, लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं है तो आप उसे अभी नॉन पीटीए चला रहे हैं, बट आप चाहते हैं कि हमें उसको कम से कम पैसों में या फिर फ्री में पीटी अप्रूव्ड कैसे कराऊं, तो वहां पर आपका होगा IMEI नंबर चेंज, क्योंकि आप जानते हैं कि पीटी अप्रूव कराने में आपको IMEI नंबर ही देना पड़ता है और वहीं पर फिर आपकी सिम रजिस्टर होती है। वहां पर अगर आप IMEI नंबर ही चेंज कर देंगे और किसी छोटे मोबाइल का डाल देंगे लाइक 3310 या ऐसे फोन का नंबर जिसका पीटीए टैक्स बहुत कम है लाइक 3-4 हज़ार या 5,000 रुपये, तो आपके आईफोन 12 का IMEI चेंज करके छोटे मोबाइल का डालेंगे जब, तो वो जो 40,000 पीटीए टैक्स है ना, वो कम से कम 3-4 हज़ार में आ जाएगा या फिर आपको पीटीए टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। 3310 का शायद 500 रुपये या उसका पीटीए टैक्स है ही नहीं, तो इस तरह ये सीन होता है। बट ये आप किसी भी तरह ऐसी IMEI चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको अपने फ़ोन को रूट करना होता है। एंड्रॉयड फ़ोन है तो रूट करना पड़ेगा, अगर आईफोन है तो फिर जेल ब्रेक करना पड़ेगा, और इसके अपने कुछ नुकसान होते हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। और जो लोग आज के टाइम पे 2021 में फ्री पीटी अप्रूव कराने की बात करते हैं, वो बेसिकली यही तरीका है कि किसी छोटे मोबाइल का आप IMEI नंबर डाल दो बड़े मोबाइल में और उसका पीटीए टैक्स या तो हो गए नहीं या फिर 2-3 हज़ार रुपये होगा जो कि आप इजीली पे कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जब आपका मोबाइल उस छोटे मोबाइल से नंबर से एक्सचेंज होके पीटी अप्रूव हो जाएगा, तो आप जब पीटीए की वेबसाइट में अपना IMEI नंबर डालेंगे तो आपका मोबाइल का मॉडल नंबर वो नहीं बताएगा जो आपके पास आईफोन 12 है, वो बताएगा जो आपने जिस मोबाइल का IMEI नंबर डाला था। लाइक मेरे पास एक छोटा मोबाइल है 3310, उसका मैंने IMEI नंबर डाल दिया। अब जब पीटीए की वेबसाइट में या एप्लीकेशन में मैं चेक करूंगा तो मेरे मोबाइल का मॉडल नंबर 3310 आएगा, iPhone 12 का नहीं आएगा। लेकिन अब बात आती है, ये तरीका कितने हद तक कामयाब है और ये क्या लाइफ टाइम चलेगा, तो नहीं, ये बहुत रिस्की वे है। ये बंदा टेम्परेरी वे में करता है और आपको मार्केट वाले करके भी देंगे, तो ये भी ज़रूर बताएंगे कि जब तक वो पीटीए के सिस्टम में डिटेक्ट नहीं होता तब तक आपके फ़ोन में सिम चल रही है, जिस दिन डिटेक्ट हो गया आपके फ़ोन में सिम वर्क करना बंद कर देगी। और ये तरीका मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, ये बहुत रिस्की वे है, आपको बिल्कुल भी नहीं, अपने पैसे बचाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज आ जाता है वो आ जाता है आपके फ़ोन को रूट या फिर जेल ब्रेक करना। अब इससे मसला क्या होता है, देखिए उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर आपका एक फ़ोन है आप उसको फिर अपडेट नहीं कर सकते, आप उसका जो पैच लेवल है सिक्योरिटी पैच लेवल है वहीं पर स्टक हो जाएगा, वो फिर आगे अपडेट नहीं होगा। आपके एंड्रॉयड फ़ोन है तो एड्स बहुत ज़्यादा आएंगे, आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी, और इसके साथ ही आपके मोबाइल में जो वायरस का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डिसएडवांटेज हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं, और बिलीव मी मैंने अपना फ़ोन रूट कर चुका हूँ, बहुत ख़तरनाक होता है, आप अगर सीरियस यूज़र हैं तो आपसे वो हैंडल नहीं होगा। तो ये थोड़े डिसएडवांटेजेस होते हैं अगर आपको अपने मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल फ्री में पीटीए रजिस्टर कराना है या फिर थोड़े से पैसे देके करवाना है। बट ये पीटीए अप्रूव का जो मसला है ये सिर्फ तभी नहीं है जब आपको पीटीए सस्ते में अप्रूव कराना है, ये तब भी है जब आप किसी भी मोबाइल फ़ोन को बाय करने के लिए जाते हैं तो आपको तकरीबन इस तरह के मोबाइल ही देखने को मिल रहे होते हैं, और फिर आप जब 2-3 महीने बाद या 1 महीने बाद वो पीटीए से ब्लॉक हो जाता है तो ना फिर दुकानदार जिम्मेदारी लेता है और आप कन्फ्यूज़ होते हैं कि मैंने तो पीटीए अप्रूव मोबाइल लिया था, तो ये भी यही सिनेरियो चल रहा होता है। तो आपको हमेशा जब भी मोबाइल लेने जाएं तो पीटीए की वेबसाइट पे जाके चेक करें, और आपने ये ज़रूर चेक करना है कि जब भी आप मोबाइल फ़ोन लें आपका जो मॉडल नंबर है वही आ रहा हो मोबाइल फ़ोन का। लाइक अगर आपने आईफोन 7 लिया है तो आईफोन 7 का ही पीटीए की वेबसाइट में जब आप IMEI डालेंगे तो आईफोन 7 का ही मॉडल नंबर आना चाहिए, ना कि किसी और फ़ोन का। तो आपने ये ज़रूर चेक करना है ताकि आप इस स्कैम से भी बच सकें जो मार्केट में चल रहा है, क्योंकि जो मार्केट में बैठे हैं इनके पास बहुत सारी ट्रिक हैं। यकीन मानिए, ये एक पासपोर्ट पे 5-5 डिवाइसेस अपडेट कर रहे होते हैं, पीटी अप्रूव करा रहे होते हैं, और एक छोटे मोबाइल पे 10-10 डिवाइसेस पीटी अप्रूव कर रहे होते हैं, और वो पैसा आपसे ऑफिशियल पीटी अप्रूव के लेते हैं ज़्यादा और अनऑफिशियल पीटी अप्रूव करके देते हैं जो कि 3-4 महीने बाद
एक्सपायर हो जाता है, डिटैक हो जाता है और आपका मोबाइल फिर पीटीएफ ब्लॉक हो जाता है, इस वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर आपको इन सारे मसलों में नहीं पड़ना और ऑफिशियल पीटीएफ प्रूफ कराना है घर बैठे, तो उसके ऊपर मैं पहली वीडियो बना चुका हूँ। आप इजीली गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करेंगे अपना टैक्स, ताकि आपको ये पता हो कि मैं जो टैक्स पे कर रहा हूँ किसी बंदे को नहीं कर रहा या किसी को ज़्यादा पैसे नहीं दे रहा, जो भी टैक्स पे कर रहा हूँ गवर्नमेंट को दे रहा हूँ और बिल्कुल सही पैसे दे रहा हूँ। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और क्लियर हो गया होगा कि अनऑफिशियल VIP PTA approved या फिर IME change का क्या सिनेरियो है और ये किस तरह मार्केट वाले आपको पागल बना रहे होते हैं और ये किस तरह वर्क करता है। और यार इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन दी है कि आप किसी मार्केट वाले से जाके पूछेंगे भी ना तो वो आपको नहीं बताएगा, क्योंकि मार्केट चली इसी रही है। तो इस वीडियो को शेयर करना जरूरी है ताकि अवेयरनेस पहुंच सके और ना ही किसी के पैसे वेस्ट हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।